Hello everyone, this is Harshit and once again I welcome you all into my YouTube channel. थोड़ी आवाज़ आएगी क्योंकि मैं बाहर बैठा हूँ. बहुत बढ़िया मौसम है. अभी अभी ऑफिशियल स्प्रिंग की शुरुआत हुई है. डे लाइट सेविंग टाइम इज ऑलरेडी चेंज, सो इट्स गुड एटमोसफियर इन द विंसर. सो आज का वीडियो का मेन एम है द पार्ट टाइम जॉब्स इन विंसर. बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये पूछा है कि भाई नेक्स्ट सेमेस्टर में या अगले साल आई एम कमिंग टू कैनेडा, आई एम कमिंग टू विंसर, सो आर देर एनी पार्ट टाइम जॉब्स और फुल टाइम जॉब्स अवेलेबल इन विंसर. तो देखो, पहली चीज़ मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, एक स्टेटिस्टिक्स आप देख लीजिए. विंसर का पॉपुलेशन है तकरीबन 200,000. विंसर में स्टूडेंट का पॉपुलेशन है तकरीबन 50,000 से 60,000, मतलब 1/4 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ विंसर इज़ ओनली स्टूडेंट्स. सो ऐसे केस में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट पार्ट टाइम जॉब्स. ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, मिल भी जाता है, बट रेशियो थोड़ा डिफरेंट है उसमें. उसके भी बारे में आगे बात करेंगे. दूसरी चीज़, विंसर साउथ वेस्टर्न ओंटारियो में आता है, मतलब ओंटारियो का सबसे नीचे और सबसे वेस्ट वाला पार्ट है. और विंसर का एम्प्लॉयमेंट रेट पूरे कनाडा में सबसे लोएस्ट है. उसका ये रीज़न यही है क्योंकि ये छोटा सिटी है और स्टूडेंट ज़्यादा है, वेदर आपको फुल टाइम जॉब चाहिए वेदर आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए. सो पहली चीज़, जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, द थिंग इज़ इट डिपेंड्स अपॉन योर लक. इट्स डिपेंड्स प्योरली अपॉन योर लक. ठीक है, उसमें ऐसा कोई नहीं कि मैंने इंडिया से डॉक्टरी की है या इंडिया में मैं कोई भी मजदूरी वाला काम करता था, उसको यहाँ का कोई लेना देना नहीं है. आप ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, कुछ जगह पे इंडिविजुअल जाके भी रेज्यूम देना पड़ता है. सो इट्स नथिंग अबाउट दैट, इट डिपेंड्स सोली ऑन योर लक ओनली. तीसरा सवाल, हम कहाँ कहाँ पार्ट टाइम जॉब हमें मिल सकता है. तो देर आर सो मेनी कॉफ़ी शॉप्स इन विंडसर. वी हैव टी मॉर्टन्स, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, फिर तो वॉलमार्ट है, कैनेडियन टायर है, होम डिपोट है, उस सारी जगह पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. वहाँ पे देर आर चांसेस कि वो आपको ले, लेकिन उसमें भी अगर एक एप्लीकेशन वॉलमार्ट की निकलती है या एक एप्लीकेशन टी मॉर्टन्स की निकलती है तो उसके सामने 1,000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं. तो वहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा मैटर नहीं करती, वहाँ पे वो ड्रॉ सिस्टम ही चलता है, तो वो सीधा ड्रॉ करके ही लोगों को बुला लेते हैं. नेक्स्ट, मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ. सो जनरली विंडसर में या पूरे कनाडा में यू कैन अप्लाई बाय बेसिक 2 or 3 ways. सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है, वो जनरली मोर देन 70% जॉब्स आर ऑन इंडीड. जैसे इंडिया में indeed.com चलता है, यहाँ indeed.ca चलता है. तो आप वहाँ पे अपना अकाउंट बना के अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं और वहीं पे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं. दूसरी चीज़ है, आपको स्टोर्स टू स्टोर अपना रेज्यूम लेके जाना पड़ता है, वहाँ पे पूछना पड़ता है भाई देर आर जॉब अवेलेबल ऑन, और जैसे अपने देसी भाषा में करते हैं कि हर गली नुक्कड़ पे हर शॉप पे तुम जाओ और पूछो कि भाई जॉब अवेलेबल है. अगर वो हाँ बोलता है तो तुम उसको रेज्यूम दो, उसको अच्छा लगे तो वो तुमको कॉल बैक करेगा, एंड सो काइंड ऑफ थिंग. द नेक्स्ट थिंग, बहुत सारी चीज़ें मैंने लिख के रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भाई इंडियन एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं जॉब करने के लिए. देखो, एक्सपीरियंस कोई भी चीज़ हो, एक्सपीरियंस ऑलवेज इज़ अ गुड थिंग फॉर योर रेज्यूमे. अब यहाँ कैसी चीज़ है, जनरली लोग ऐसा प्रीफर करते हैं कि अगर किसी के पास कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस हो तो उसको पहले प्रायोरिटी देते हैं. ऑब्वियसली कैनेडा है, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होगा तो आपको ज़्यादा ही प्रायोरिटी मिलेगी. बट इट डजेंट मीन कि आपके पास इंडियन एक्सपीरियंस है तो आपको नहीं मिलता, मिल भी जाता है, लेकिन उसका रेशियो फिर भी कंपेरेटिवली कम है. कैश जॉब भी अवेलेबल है, उसके बारे में हम लीगली बात नहीं कर सकते, बट दे आर स्टिल अवेलेबल. फुल टाइम जॉब्स, जो लोग स्टूडेंट्स में से अभी वर्क परमिट लेंगे या फुल टाइम जॉब करेंगे, सबको तो ऐसा नहीं कि अपने फील्ड की जॉब मिल जाए. तो देर आर सर्टेन जॉब, जैसे जनरल लेबर की जॉब है, सेल्स एसोसिएट की जॉब है, कॉल सेंटर की जॉब है, कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव टाइप की जॉब है, वो सारी जॉब में आपको जॉब मिल जाएगा. लेकिन उसके लिए भी यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, यू हैव टू ट्राई वेरी हार्ड ऑन इंडीड. आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे. और एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन से ज़्यादा फ़र्क आपके एप्लीकेशन पे नहीं पड़ता. अगर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, आपका कोई रिलेटिव वो कंपनी में काम करता है और वो आपको सजेस्ट करता है कंपनी को, भाई इसको ले लो, रेफ़र करता है, तो उसको वो आपके एप्लीकेशन का चांस 10 times बढ़ा देगा. सो और भी है. नेक्स्ट था कि मैं आऊँ या ना आऊँ. कुछ लोगों ने तो ये भी सवाल पूछा है कि भाई अगर पार्ट टाइम जॉब मिलती है तो मैं आऊँ, अगर नहीं मिलती तो ना आऊँ.
अब वो तो मैं यहाँ बैठे बैठे कैसे बताऊँ कि तुमको जॉब मिलेगी, मुझे भी नहीं मिली तो तुमको कैसे मिलेगी। मिल भी सकती है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उस चीज़ पे तुम अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई मुझे, मैं अगर मिलती है तो आऊँ, नहीं मिलती है तो नहीं आऊँ। कुछ लोग यहाँ दो दो साल से रहे, स्टूडेंट दो साल का कोर्स लिया है तो कुछ लोग यहाँ दो दो साल से है फिर भी उनको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती, और कुछ लोग मेरे साथ ही आए हुए हैं और उनको एक महीने में जॉब मिल जाती है, तो वो तुम कह नहीं सकते। तुमको यहाँ आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सिस्टम क्या है, समझना पड़ेगा सब कुछ, देन ओनली यू कैन डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू कम और नॉट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स। If you still have any question, still have any doubt, please ask question in the comment section. I'll happily reply to each and everyone whenever possible. So, till then, goodbye.